प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। पीएमओ के मुताबिक 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि 18 जून को सुबह 11 बजे कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए 1,00,000 से अधिक को कोविड-19 योद्धाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। पीएमओ के मुताबिक कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1,00,000 से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। इन लोगों को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम पर 276 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंदीग्राम सीट से हार के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल की वजीरे आला ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ममता बनर्जी का आरोप है कि काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में आज इस मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस कौशिक चंद्र की बेंच करेगी। नियम के मुताबिक चुनाव के नतीजे आने के 1.5 माह के अंदर मामला दायर करने का प्रोविजन है। नंदीग्राम में मिली हार के बाद ही ममता ने कहा था कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। नंदीग्राम सीट से ममता बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 1900 वोटों से हार गई थी। ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को लेकर आरोप लगाती रही हैं। बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम सबसे हॉट सीट रही, जहां ममता बनर्जी को कभी अपने ही करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट में ट्विटर इंडिया पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा है। साथ ही पुलिस ने 7 वेरिफाइड ब्लू टिक वाले लोगों को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में पुलिस ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है। पुलिस जानना चाहती है कि समय पर सूचना देने के बावजूद वीडियो को वायरल होने से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने क्यों नहीं रोका। पुलिस ने ये नोटिस मेल के जरिए भेजा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों को मेल के जरिए तो कुछ को उनके एड्रेस पर नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस 160 CRPC के तहत भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाएं। ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद आरोपियों ने अपने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, जिसके कारण तनाव बढ़ा। इसके अलावा ट्विटर इंडिया और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उन ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अयोध्या में मंदिर की जमीन के कथित घोटाला मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। NCP ने मांग की है कि गैर राजनीतिक समिति बनाकर कोष के खर्च की निगरानी हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ली गई जमीन में घपलेबाजी के आरोप पर राजनीति भी खूब हो रही है। NCP ने मांग की है कि श्रद्धालुओं की एक गैर राजनीतिक समिति बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र कोष के खर्च पर नजर रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में मंत्री जयंत पाटिल के मुताबिक राम भक्तों की एक गैर राजनीतिक समिति को मंदिर निर्माण के लिए कोष के खर्च में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। जबकि शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक राम मंदिर श्रद्धा और आस्था का विषय है, अगर आरोप लगा है तो जवाब देना चाहिए। अगर कोई राम मंदिर न्यास को बदनाम भी कर रहा है इस मामले में, तो इस बारे में भी जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमने कहा, उसमें गलत क्या है। इस मामले में कांग्रेस ने राम मंदिर न्यास के चंपत राय पर FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए रसीद से लिए गए चंदे में घोटाला हुआ है। दिल्ली एम्स के नेतृत्व में देश के 5 अस्पतालों द्वारा किए जा रहे सीरो सर्वे की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में तीसरी लहर में ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं को खारिज किया गया।
कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण को लेकर चिंता है। इस बीच एम्स के सीरो सर्वे ने तीसरी लहर में ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से 17 साल की उम्र के 55.7% बच्चों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र में 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। सर्वे में 5 राज्यों के कुल 10,000 लोग शामिल हैं। ये सर्वे WHO के साथ मिलकर किया गया, जिसमें 2 से 17 साल के 700 बच्चों को, जबकि 18 से अधिक के 3,809 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे 15 मार्च से 15 जून के बीच किया गया। इस सर्वे में एक बात ये भी पता चली है कि सीरो पॉजिटिव पाए गए बच्चों में 76.92% में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। इस स्टडी के आधार पर एम्स ने तीसरी लहर को बच्चों के लिए अधिक घातक होने की आशंका को खारिज कर दिया है। करीब 2 महीने से बंद लिए एम्स की ओपीडी आज से दोबारा खुल रही है, लेकिन ओपीडी के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच आज से एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी, लेकिन मरीजों को इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। अभी सीधे अस्पताल में जाकर पंजीकरण की सुविधा नहीं है। साथ ही इलाज के लिए एम्स आने वाले मरीजों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जानकारी के मुताबिक एम्स में आज से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डॉक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखेंगे। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो ओपीडी के लिए तैयारी शुरू कर दे और रोज आने वाले नए और पुराने मरीजों की संख्या का एक डाटा बनाकर भेजे। एम्स में दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों को भी आपातकालीन विभाग के जरिए भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एम्स की ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब करीब 2 महीने बाद आज से ये सेवाएं फिर शुरू हो रही हैं। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर IMA के डॉक्टर्स आज देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। इनके समर्थन में एम्स के बाहर सुबह 9 बजे डॉक्टर इकट्ठा होंगे। शाम 5 बजे ट्विटर पर सोशल मीडिया कैंपेन भी किया जाएगा। देश भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज डॉक्टर प्रोटेस्ट करेंगे। इसके समर्थन में एम्स के बाहर सुबह 9 बजे डॉक्टर इकट्ठा होंगे। इस विरोध प्रदर्शन को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर काले कपड़े, बैज, बैंड पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी मरीज को कोई तकलीफ ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टरों का ये विरोध प्रदर्शन देश भर में होगा। IMA का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में करीब 9 लाख डॉक्टर शामिल होंगे, जिसमें 3.5 लाख IMA के और बाकी अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर होंगे। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरोध में केंद्रीय कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए बिहार और मध्य केरल में डॉक्टर सुबह अपने क्लिनिक बंद रखेंगे। यही नहीं, आज शाम 5 बजे ट्विटर पर सोशल मीडिया कैंपेन भी किया जाएगा। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI को राम के नाम पर एतराज है। जमशेदपुर में व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने के कारण 7 छात्र नेताओं को ग्रुप से हटा दिया गया। कांग्रेस के छात्र विंग NSUI में इन दिनों राम के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। NSUI के जिला अध्यक्ष रोज तिर्की ने व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने के कारण 7 छात्र नेताओं को ग्रुप से हटा दिया। इसके बाद कई छात्रों ने आला कमान को पत्र लिखकर जिला अध्यक्ष रोज तिर्की को पद से हटाने की मांग की। दुर्भाग्य है कि ये सारे कांग्रेसी और तमाम विपक्षी दल के लोग आज वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदुओं के आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या अन्य देवी देवता हो, उनका विरोध करते हैं। NSUI के सदस्य लव कुमार के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कुछ सदस्यों द्वारा जय श्री राम कहकर एक दूसरे को संबोधित किया गया, जिसके बाद जिलाध्यक्ष रोज तिर्की ने सभी सदस्यों को ये कहते हुए ग्रुप से हटा दिया कि श्री राम का नाम अश्लील भाषा है, जिसके बाद छात्र भड़क गए और रोज तिर्की को तत्काल हटाने की मांग करने लगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने ग्वालियर का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की मांग की है। MP के कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने ग्वालियर का नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की मांग की है।
राकेश सिंह यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता जयभान पवैया से बात भी की है। दरअसल आज यानी 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है, लिहाजा इस मौके पर ग्वालियर शहर का नाम भी बदलने की मांग की गई है। ये मांग है कि ग्वालियर का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई नगर किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक शहरों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करा है, नसरुल्लाहगंज का नाम भी बदलने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी जब होशंगाबाद और दूसरे शहरों का नाम बदल सकती है तो ग्वालियर भी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि रही है। यहां सिंधिया राजघराने से मिले धोखे की वजह से लक्ष्मीबाई ने शहादत दी थी, जिसे कलंक के तौर पर जाना जाता है। लिहाजा इस कलंक को मिटाने के लिए बीजेपी सरकार को ग्वालियर का नाम बदल कर लक्ष्मीबाई नगर कर देना चाहिए। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने कल 2 दिन की कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा के हालात पर चर्चा की गई। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन चीन पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के पहले दिन शीर्ष कमांडो ने भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्गठन पर चर्चा की। भारतीय सेना संरचना में बदलाव के दौर से गुजर रही है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए थिएटर कमांड आधारित सेना बनाई जा रही है। सेना की इस द्विवार्षिक कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने की। ये महत्वपूर्ण बैठक पिछले साल गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की बरसी के एक दिन बाद शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन बैठक में नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। आज बैठक का समापन टिप्पणियों के साथ किया जाएगा। भारतीय सेना का ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन ने LAC के पास अपने जवानों को पीछे हटने के लिए सीमित रूप से सफलता पाई है। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए 11 राउंड की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत कर चुके हैं। यूपी के प्रयागराज से सरेआम फायरिंग का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में दर्जनों युवक एक कतार में बैठकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। गाने की धुन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ये वायरल वीडियो संगम नगरी प्रयागराज का है। वीडियो में एक लाइन में बैठे दर्जनों युवक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो नवाबगंज थाना क्षेत्र के चफरी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे पहुंचे। हिस्ट्री शीटर मुजफ्फर के भाई के घर राइफल और बंदूक से लैस दर्जनों युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। शुरुआती जांच में पता चला कि वीडियो 2 वर्ष पुराना है, लेकिन अब वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर जानकारी जुटा रही है, जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश भर के कई हिस्सों में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने UP, MP और महाराष्ट्र के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है और जमकर बारिश हो रही है। इस बीच यूपी के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में कई जगह बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के अलग अलग जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। गोंडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उधर मुंबई में मॉनसून के बादल छाए हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 18 और 19 जून को भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन समेत ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है। गुजरात में कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक 36 तालुकों में बारिश दर्ज की गई। वलसाड में अधिकतम 2.5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। वलसाड के पारडी में 2 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि नवसारी के खेरगाम और अहमदाबाद के बावला में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बादल फटने की वजह से आई बाढ़ से नदियों ने भयानक रूप ले लिया है। गांव मोहल्ला सब पानी में डूब रहे हैं।
तस्वीरें नेपाल के सिंधुपाल चौक की हैं, जहां बादल फटने की वजह से बाढ़ का कहर जारी है। मेलमची नदी का ये भयानक रूप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। पानी की तेज रफ्तार की वजह से कई पुल टूट गए, नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने सड़कों का जैसे वजूद ही खत्म कर दिया है। नदी के किनारे बसे गाँव के लोगों का हाल बेहाल है, घर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल सरकार ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहे हैं। सेना के जवानों ने घर की छत पर फंसे 2 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया। नेपाल ही नहीं, भारत में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। नेपाल में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। ये भारत नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों की तस्वीर है। मोतिहारी समेत नेपाल सीमा से लगने वाले जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। जमीन में कटाव हो गया है, पुल का एक हिस्सा पानी के साथ बह चुका है और सड़क संपर्क टूट गया है। बिहार के कई जिलों में यही जल स्तर बाढ़ के खतरे की वजह बना हुआ है। पूर्वी चंपारण की तस्वीर देखिए, गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। सड़कें दिखाई ही नहीं दे रही, पानी इतना ज्यादा है कि लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में बीती रात मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दी। उत्तर 24 परगना, बांकुरा समेत कई इलाकों में पानी भर गया। अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे और LOC पर BSF के जवानों के साथ अक्षय ने समय बिताया और खूब एंजॉय भी किया। अक्षय कुमार ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में शिरकत की और जवानों से मुलाकात की। बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार आज कश्मीर पहुंचे, जहां वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बने BSF के कैंप गए, जहाँ उन्होंने भारतीय जवानों के साथ समय बिताया और भारतीय सेना जवानों के साथ जमकर डांस भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार के साथ न केवल भारतीय सेना के जवान हैं, बल्कि बांदीपुरा के स्थानीय लोग भी हैं, जो उनके साथ डांस करते नजर आ रही हैं। इससे पहले अक्षय कुमार सेना के जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए और बांदीपुरा में स्कूल बनाने के लिए अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए भी दिए। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।